आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर। हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट। कल की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम वर्कफ्लो और सीट्स को हैंडल करते हैं, उस पे होने वाले इवेंट जो भी है वो हम कैसे करते हैं, हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन थी। आज हम इसी क्लास में इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट की। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे हर दिन एक लोकेशन में जाके डेटा को क्रिएट करना, जैसे कि एक्सेल के अंदर एक डेटा है, डेटा के अंदर 2023 है, इसके अंदर मुझे अगस्त चल रहा है तो अगस्त का फोल्डर बनाना है, और आज तारीख 3 तारीख है तो राइट क्लिक करके मुझे 3 तारीख का फोल्डर बनाना है। फिर इसके अंदर जो है एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम इस तरह से 3 अगस्त 2023 हो। मुझे हर दिन ये करना पड़ता है। बेसिकली मेरा एक सॉफ्टवेयर है जहां से मैं डेटा लेता हूं, तो उसको इस तरह का पाथ देना फिक्स है और इस तरह के पाथ पे फाइल बनाना पड़ता है ताकि इस फाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डेटा को लोड कर दे। तो मुझे करना क्या है कि मुझे इस लोकेशन में 2023 चल रहा है, 2023 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो बना दे। फिर महीना जो चल रहा है अगस्त, अगस्त का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं तो बना दे। डेट चल रहा है 3 तारीख, 3 तारीख का फोल्डर है तो ठीक है, अदरवाइज बना दे। फिर उसके अंदर फाइल बना। तो ऐसे एक ऐसा मैक्रो करता हूं जो इस प्रोसेस को हमेशा मेंटेन रखे। तो मैं फोल्डर डिलीट कर देता हूँ 2023 का, और चलिए इसी चीज को हम वीवीए के थ्रू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, और ये हमारी पहली प्रोजेक्ट है तो प्रो अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर में, वो होता है टुडे का। टुडे टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है एक्सेल में। अब इस टुडे से हमारे पास फॉर्मूला होता है ईयर का, जो कि हम ईयर अलग कर सकते हैं, मंथ मंथ अलग कर सकते हैं यहां से, और डे से डे अलग कर सकते हैं। तो सेम चीज वीवीए में होता है लेकिन थोड़ा सा अलग। जैसे मैंने यहां पे लिखा वाई इक्वल टू ईयर, और ईयर के अंदर में हमने डेट डाला। ये क्या करेगा कि जो करेंट सिस्टम डेट है उससे ईयर उठा के वाई पे स्टोर कर देगा। वाई क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड होता है, एबीसीडी होता है, हम लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक वेरिएबल लेते हैं, उसी तरह से यहाँ भी एक वेरिएबल होता है। तो वाई इक्वल टू ईयर और इसके साथ हमने डेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम एमएसजी बॉक्स के अंदर जाएं और यहाँ पे वाई करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ईयर शो हो रहा है 2023। उसी तरीके से मुझे मंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे एम इक्वल टू मंथ, और मंथ के अंदर हमने डेट डाला तो मंथ क्या आ जाएगा, एम एस जी बॉक्स के अंदर आप एम को देखें तो आपका मंथ जो कि 8 है 8 दिखा दे। बट मुझे यहाँ पे 8 नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 8 अगस्त AUG दे चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर्म इसका मंथ नेम का, ठीक है। तो एम इक्वल टू मैंने यहां लिखा मंथ नेम, और मंथ नेम में मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कर दिया एम कॉमा टू। टू मतलब शॉर्ट में, नहीं कहोगे तो फुल में। आप देखिए एम क्या हो जाएगा, अब एम पे अगस्त स्टोर हुआ। तो मंथ नेम क्या किया, 1 को जैन, 2 को फेब, 3 को मार्च में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक तो इस तरह से आप लगा सकते हो। दूसरा एक और होता है आपका एक्सेल में, होता है टेक्स्ट का फॉर्मूला। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किए और इसके अंदर हम कर देते हैं MMM, 3 बार MM कर देंगे तो अगस्त हो जाएगा, डेट को अगस्त हो कर देगा।
तो इस तरह के कोड यूज कर सकते हो, या मैं इसको डेट कर देता हूँ कोड को। अभी डेट कोड क्या हो गया, डेट हो गया, मतलब अब ये वर्क नहीं करेगा, इसको कमेंट में कन्वर्ट होगी। तो मंथ नेम के जगह पे मैं यहाँ पे, मंथ के जगह पे मैं यहाँ पे फॉर्मेट का डेट लगा सकता हूँ। बोले सर टेक्स्ट, एक्सेल में जो टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट है वो वीवीए में फॉर्मेट कहलाता है। और तरीका बिल्कुल सेम है कि डेट दीजिए और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डी, यहाँ पे MMM, 3 बार MM कर दीजिए, 3 बार क्या कर दीजिए, MM कर दीजिए। अब मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगस्त आए। दो तरीके हैं, मंथ नेम यूज कर लीजिए मंथ फॉर्मूला के साथ, मंथ नेम यहाँ पे आप मंथ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, और इसके अंदर में डेट दे दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो दो चॉइस है, दोनों को जो ले सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे हम डी इक्वल टू डे, जैसे एक्सेल का डे फॉर्मूला होता है, डेट में से डे अलग करता है, ऐसे यहाँ पे आपका डे होगा। यहाँ पे देखिए डे फॉर्मूला, तो हमने करेंट सिस्टम डेट से ईयर अलग कर लिया, मंथ अलग कर लिया और डेट अलग कर लिया। अब बात ही आती है फाइल नेम, तो मैं एफ एन शॉर्ट में फाइल नेम एफ एन लिया, और यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेट, और यहाँ पे हम डेट, और यहाँ पे DD/MMM/YY। अब उन्हें ऐसा क्यों किए, बेसिकली क्या है कि जो डेट है, डेट में होता है स्लैश, डेट में क्या होता है स्लैश होता है, और स्लैश होने के कारण फाइल नेम, किसी भी फाइल नेम सीट नेम में जो बैक इस तरह का डेट होता है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसको मुझे इस तरह के फॉर्मेट में करना चाहिए। तो एक टेक्स्ट फॉर्मूले में हम जो कस्टम फॉर्मेटिंग मेथड यूज करते हैं वो यहाँ करेंगे कि DD/MMM/YY, तो इस तरह का डेट अलग करके दे देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए रन करके, यहाँ पे मैं एफ एन कर दू तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डेटा है। तो हमने जो जरूरत की चीजें थी वो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब बारी आती है फोल्डर बनाने। अब फोल्डर बनाने का समझिए क्या है, वो है MKDIR। इसको फुल फॉर्म में पढ़ते हैं मेक डायरेक्टली, बट लिखते हैं MKDIR, MK फॉर मेक, DIR फॉर डायरेक्टली। फिर आपको किस फोल्डर में फोल्डर बनाना है उस फोल्डर का पाथ देना हो, तो पाथ हम ऊपर से यहां से कॉपी कर लेते हैं Ctrl C, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम उस पाथ को इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश डाल के कर दें। तो ये हो गया ये फोल्डर कहाँ बनाना है, और लास्ट में जो आप लिखेंगे कि फोल्डर क्या बनाना है, 2023 बनाना है, तो ये क्या करेगा कि डेटा में एक्सेल के अंदर जाके 2023 का फोल्डर बना, जैसे रन करके देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे बना दे 2023 का फोल्डर। लेकिन 2023 तो फिक्स हो गया ना, हमें तो ये वाई लेना है जिसमें 2023 स्टोर है, और जो कि कल अगले साल 24 हो जाएगा, उसके अगले साल 25 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या हम इसको ऐसे यहां पे वाई लिख दे, नहीं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वाई लिखेंगे तो वाई नाम का ही फोल्डर बना देगी, तो मुझे इसको ज्वाइन करना है। तो एक्सेल में अगर मान लीजिए कि अगर एक्सेल के अंदर है आप, और एक एक पर्टिकुलर सेल पे आपका ये है डला हुआ इक्वल इनऑर्डर कमांड स्लैश, और यहां मान लीजिए कि 2023 ऊपर है, इसको कंसीडर करना है मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं कॉनकेटा डेट लगाते हैं और एंड परसेंट भी लगा सकते हैं, 2023 सेलेक्ट कर लिया, 2023 बन गया आ गया। उसी तरीके से वीवीए भी करेंगे एंड परसेंट और यहां कर देंगे वाई, जैसे यहाँ पे A3 था ऐसे यहाँ पे हमारा डेट होल्ड कहाँ हो रहा है, वाई पे हो रहा है, ये वाई नाम का फोल्डर बनाते हैं। अब मुझे इस वाई नाम के फोल्डर के अंदर एम नाम का फोल्डर बनाना है, एम का वैल्यू का फोल्डर बनाना है, तो सेम इसी के आगे स्लैश लगाएंगे क्योंकि हर हर फोल्डर के बाद स्लैश है, और यहाँ पे कर देंगे एम, सॉरी कॉन्केट करना पड़ेगा, हाँ कॉन्केट एम, फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं यहां पे पेस्ट करते हैं,
थोड़ा सा आगे करते हैं इसमें, और यहाँ पे एन परसेंट स्लैश हम यहाँ पे कर देते हैं डी। तो आप यहाँ पे एन परसेंट लगाना भूल गए, हाँ डी। तब क्या होगा कि इस लोकेशन में, फिर इस लोकेशन में, फिर इस लोकेशन में फुल रन आए। मैं इसको एफ एन करके वन बाई वन रन करके दिखाता हूं, देखिए वाई वाई पे देखिए क्या स्टोर है 2023, एम पे क्या स्टोर है अगस्त, डी पे क्या स्टोर है 3, एफ एन पे क्या स्टोर है 2003 अगस्त, 3 अगस्त 2003। अब यहां पे देखिए इसने क्या किया, 2023 का फुल रन बनाया, फिर हमने इसको रन किया तो 2023 के अंदर इसने क्या किया, अगस्त का फुल रन बनाया। अब इस 2 अगस्त के अंदर आज तारीख 3 है, तो यहां पे देखिए 3 तारीख का फोल्डर बना है। अब इस 3 तारीख के फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है और फाइल को सेव भी करना है। तो हम दो तरीके से कोड लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पे वर बुक्स डॉट एड, और फिर यहां लिख सकते हैं एक्टिव वर बुक डॉट सेव एज, और कहाँ सेव करना है तो यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये पाथ इस पे सेव करना है, ये पाथ हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, फिर एन परसेंट, फिर स्लैश, और फिर हमें फाइल का नेम चाहिए जो कि एफ एन है, एफ एन पे स्टोर है, और फिर फाइल का जो एक्सटेंशन भी चाहिए होगा ना, सिर्फ नेम से तो नहीं होगा ना, ये रहा फाइल का एक्सटेंशन। अब इसको बड़ा कर देते हैं इसकी, हाँ, तो इस लोकेशन में जाएगा और स्लैश करके एफ एन, और ये आपका डॉट एक्सलेस एक्स फाइल बना दी। और फिर फाइल बनाए तो उसको क्लोज भी करना होगा, तो यहां पे लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और सेव करते हुए क्लोज करेगा चूज करके। तो यहां पे देखिए फिट करता हूं, फाइल ऐड हो गया, फाइल सेव हो गया, फाइल क्लोज हो गया, तो माइक्रो एंड हो गया। अब यहां आप देखेंगे कि अगस्त में 2023 का फाइल बन के रेडी हो गया। अब इस कोड में किस तरह के कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। हाँ जी, इसमें इसमें कोड एफ एन बताना है क्या बताना एक कि बार, एक वन बाय वन पूछिए, लेकिन जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप, विनोद जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ओके जी, ये कोड ये बराबर मेरे को समझ को में आ समझ गया, में आ पर गया, इसमें पर ना इसमें एक ना चीज है, एक चीज है, पर ऑलरेडी एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रही है तो है क्या तो करना है, क्या करना है, सेम सेम डेट डेट में में ऑलरेडी है ऑलरेडी तब है क्या तब करना है। क्या करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस कीजिए, बताता हूँ। विकास जी बोले क्या बोल रहे हैं, सर ये पूछा चलिए एफ पूछो एन का एफ मतलब एन ये का समझ मतलब ये में नहीं आया समझ था, में नहीं वो आता, हमने वो उसको वो हमने दिया उसको था। दिया था एफ एन, देख सबसे पहले देखिए एफ एन हो गया या डी हो गया या वाई हो गया या एम हो गया, ये वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल, इसको बोलते हैं टेम्परली स्विंग लोकेशन, मतलब कि अगर कोई वैल्यू आपको कोडिंग में होल्ड करना है इस तरह का, हम कोई भी करेक्टर लेते हैं, किसी कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अपना गर्लफ्रेंड का नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो एफ एन मतलब हमने शॉर्ट में दिया ताकि नीचे समझ पाए कि एफ एन इज द फाइल नेम, फाइल नेम, और फाइल नेम कौन सा होगा, जो डेट है, ये जो डेट दिख रहा है सिस्टम डेट दे रहा है, जो यहाँ सिस्टम डेट होता है वो पिक करके देगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम डेट जैसा देता है डेट कैसा देगा, डेट देगा आपको यहाँ पे अगर अलग माइक्रो बनाओ आपको, तो ये अगर हम एम एस जी बॉक्स के अंदर हम डेट डालते हैं तो आप डेट देखेंगे कि डेट जो देता है वो स्लैश के फॉर्मेट में देता है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है डेट डेट फॉर्मेट में, क्योंकि सिस्टम डेट का फॉर्मेट ऐसा बना है, वो स्लैश के फॉर्मेट में देता है, जिस कारण से हम फाइल का नाम नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या किया है, फॉर्मेट को बोला कि भाई इसको इस फॉर्मेट में मुझे दे दे, तो इसलिए इस फॉर्मेट में एज ए टेक्स्ट एफ एन को दे दिया, ठीक है। फिर मुझे जहां फाइल नेम की जरूरत थी वहां चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फाइल नेम दिया ना, सिर्फ डेट दिया ना, एक्सटेंशन तो नहीं दिया ना, तो एक्सटेंशन हमने बाद में इसको कंबाइन कर लिया, ठीक है।
ठीक तो वाई एम डी एफ एन जो है ऐसा कुछ भी इस तरह का वेरिएबल ले सकते हैं लिखने की। अगर मान लीजिए हम एफ एन मान ना लेते हैं तो पूरा का पूरा कोड मुझे यहाँ लिखना पड़ता है एफ एन की जगह, इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना सर। इसलिए हमने पहले ही इसको कहाँ स्टोर करा दिया, हमने यहाँ पे स्टोर करा। अब मुझे जहां जहां भी फाइल नेम चाहिए होगा जस्ट हम एफ एन लेते चले जाए। क्लियर है? यस सर यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? हेलो हाँ बोलिए सर, सर, बोलिए, सुन रहा हूँ, डाउट पूछिए सर। हेलो, माइक चेक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हेलो सर पूछिए ना डाउट सिलेंदर जी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डेट डेट मंथ ईयर है, अगर मुझे उसके बीच में अंडर स्कोर डालना रहेगा तो कैसे डाल सकता हूँ? डेट बट माय पॉइंट डेट कर इसका कंबाइन कर लीजिए, यहाँ पे एन पर सेम इन्वर्टर गुहा में अंडरस्कोर हो जाएगा। ठीक। चलिए, गोहेल जी कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, सर नहीं सर, ओके सर, चलिए ओके सर, ना, क्लियर है। ना क्लियर, तो माइक म्यूट रखिए, अगर माइक अनम्यूट होगा तो समझ जाओगे आपको कुछ पूछना है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि विनोद जी ने सवाल किया कि दोबारा रन नहीं होगा, बात सही है। जैसे ही इस माइक्रो को दोबारा रन करूंगा एरर देगा, फाइल पाथ एक्सेस एरर। क्यों? क्योंकि 2000 यहाँ पे देखिए डिबग करते ही पहुंच जाइए कि एरर किसमें, यहाँ पे एरर। ठीक है, बाकी सब सही काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए सब सब सही काम कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑलरेडी 2023 का फोल्डर बना हुआ है और आपका सिस्टम कहता है कि एक सिस्टम में एक नाम के दो फोल्डर या दो फाइल नहीं हो सकते, सो यहां एरर आ गया, तो मुझे डिलीट करना होगा फिर रन करना होगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं पूरा ईयर का फोल्डर डिलीट कर थोड़ी करूंगा ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, सॉरी एक साथ होगा ऑन एरर, नहीं, ऑन एरर अलग अलग होता है, रिज्यूम की स्पेलिंग मिस्टेक, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसका काम क्या है, ये एरर को कुछ नहीं करता है, इसका काम यह है कि जिस कोड लाइन ऑफ कोड में एरर होगा उसको छोड़ के आगे जंप कर जाएगा, मतलब कि एरर शोर नहीं करने देगा। वो क्या करेगा, जिस लाइन ऑफ कोड में एरर है उसको स्किप कर आगे निकल जाए, उस लाइन को छोड़ देगा, नहीं रन कर, सिंपल सर। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एरर कहाँ आएगा, तो एरर कंफर्म है और एरर को मैं स्टॉप नहीं कर सकता, इसलिए हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगा दिया, ताकि अगर एरर आए तो वो कोड चले ही ना, उसकी अगली कोड चले, उसकी अगली लाइन चले। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? सुजीत सर, ये तो समझ आ गया कि ऐसे बहुत सर इन्वर्टिंग कॉमा लगा है ना सर, ये एक्टिव वर्क टू वर्क सेव है, इसको थोड़ा बताएंगे सर, इतना सारा इन्वर्टिंग कॉमा सेव है कैसे, मतलब समझे? क्या है, सुनिए सुनिए, जब आप दो टेक्स्ट को जैसे मान लीजिए हमने बोला वाई इक्वल टू, अब मुझे सुजीत और कुमार को ऐड करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा और एन परसेंट कुमार लिखा है, तो जितना टेक्स्ट देंगे उसको इन्वर्टर कॉमा के बीच में देना है ना, समझे कि नहीं? तो जैसे कि यहाँ 2000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे डेटा आपका आ गया 2022 को ऐड करना है तो वाई से, तो वाई हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पे ए जब ऐड करेंगे स्लैश ऐड करेंगे तो उसको इन्वर्टर कॉमा ऐड करेंगे ना, क्योंकि तो डायरेक्ट अगर इस तरह स्लैश लिख देंगे तो एक्सेल तो एरर दे देगा। कोई भी करेक्टर, कोई भी टेक्स्ट अगर वीवीए में डालते हैं तो इन्वर्टर कॉमा के अंदर डालना होगा, अगर वो कोड नहीं है तो इन्वर्टर कॉमा के अंदर आएगा, तो स्लैश एक टेक्स्ट है ना, ताकि 2023 और अगस्त के बीच में स्लैश दिखा सके, जैसे यहाँ पे बी और इसके यहाँ पे दिख रहा है सर, इस तरह से, राइट इसलिए इन्वर्टर कॉमा लगा है। तो जहां जहां हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है यहाँ पे वेरिएबल को इन्वर्टर कॉमा से बाहर रखा है, और जहां जहां हमने टेक्स्ट इस्तेमाल किया वहां इन्वर्टर कॉमा के अंदर रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए
अब इसी तरह का एक सिमिलर प्रोजेक्ट हम सीट पे करते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा सर, ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे कहानियां निकल के आएगी, जब तक इसको करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स ट्राई, देन प्रॉब्लम होगी तो कॉल फोन नंबर है ही आपका मेरे पास, कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है सर। ये एक डायरेक्टरी का अगर आखिर वाला कोड ही रखेंगे, बाकी के दो नहीं तो भी काम हो जाएगा? नहीं, ये एक बार में एक फोल्डर बनाता है, आप डायरेक्ट करेंगे तो उसको 2023 का फोल्डर मिलेगा ही नहीं, अगस्त का फोल्डर मिलेगा ही नहीं, इसलिए पहले 2023, फिर उसके अंदर अगस्त, फिर उसके अंदर 3 तारीख। अगर एक से हो जाता तो मैं दो कोड क्यों लिखता फालतू में? सर जी एक तो पिछले ईयर का हम जो फोल्डर बनाना रहेगा, हम जो डेटा कॉपी करेंगे तो मैनुअल लिख दीजिए ना, मैनुअल ले लीजिए ना आप, 2023 इस तरह से मैनुअल 22 लिख दीजिए मैनुअल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोड को मैं भेज दूंगा, पहले ट्राई कर लीजिएगा तब पूछिएगा, ऐसे देख के तो बहुत सारा कहानियां निकल जाएगा, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, समझे? अगली प्रोजेक्ट को देखिए, अगली प्रोजेक्ट इससे भी अच्छा है। तो यहाँ पे हम एक अगला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मुझे इसी तरह का सिमिलर प्रोजेक्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली मुझे, जैसे गुहेल जी ने बोला कि मुझे पिछले ईयर का डेटा निकालना है, राइट? तो दो मुझे क्या करना है कि 2022 का डेटा निकाल कर लाना है। तो 2022 का जो डेटा मुझे निकालना है वो एक फाइल में नहीं निकालना है, मुझे 365 अलग अलग शीट्स पे निकालना है, 365 डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे लगा। लेकिन एक ही फाइल में अगर 365 शीट डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फिर वो फाइल हैंग करेगा, तो लंबा डेटा हो जाएगा। तो मुझे 365 फाइल को, 365 शीट्स को 12 फाइलों में डिस्ट्रीब्यूट करना है मंथ के हिसाब से, मतलब कि मेरे पास 2022 का फोल्डर है, ठीक है, यहां जाऊंगा मैं जनवरी का एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम जैन रखूंगा, फिर उस फाइल को ओपन करूंगा और जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो इसमें हम 31 सीट इस तरह से ऐड करते जाएंगे, कितने सीट ऐड करेंगे? 31, न एक कम न एक ज्यादा। और यहाँ पे हम ये डालेंगे कि वह यहाँ पे 1-Jan-2022, देन 2-Jan-2022, इसी तरह से 3-4-5-6-7-8-9-10 करते हुए 31 तक ले जाना है, फिर इस फाइल को क्लोज करना है सेव करते हुए, और फिर एक नई फाइल जनरेट करना है जो कि होगी फरवरी की, और फिर उस फरवरी में 28 दिन होता है, तो 28 दिन का टोटल 28 शीट्स, फिर उसके शीट्स को रिनेम करना है इसी तरीके से। प्रोजेक्ट समझ में आ गया? किसी को प्रोजेक्ट पे डाउट है? देखिए पहले प्रॉब्लम को समझना होता है, कि कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब तक आवश्यकता नहीं समझिएगा तब तक कोडिंग नहीं कर पाएगी। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमें करना क्या है? मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मुझे 2022 के फोल्डर में टोटल 12 फाइलें बनानी है जनवरी टू दिसंबर, और हर फाइल के अंदर हमें उतना ही सीट ऐड करना है जितना उसके महीने में दिन होते हैं, 30, 28, 31, और फिर सारे सीट का नाम भी डेट के हिसाब से रखने हैं, जैसे अगर जनवरी की फाइल है तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का सीट रिटेन करने हैं, और फरवरी का फाइल है तो 1 फरवरी से लेकर 28-29 फरवरी तक करने हैं। तो चलिए करते हैं, तो इसको हम दो फेज में करते हैं, सबसे पहले हम 12 फाइलें बनाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि 12 फाइलें के लिए मुझे यहां लिखना होगा workbooks.add, हम लास्ट क्लास बताया था यहाँ पे हम वर्कबुक ऐड करके फिर एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कोड और बताया थी कि हम डायरेक्ट भी सेव एज कर सकते हैं, सेव एज, और कहाँ करना है? तो ए रहा पाथ, इस पाथ में कर स्लैश, अब मुझे नाम क्या देना है? तो अगर मैं मैनुअली यहाँ पे लिख दिया कि jan.xlsx, ठीक है,
अब मुझे इसी तरह से 12 लाइनें लिखनी पड़ेगी, कॉपी 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 कॉपी, यहाँ जैन फै मार्च, लेकिन नहीं एक गलत है। अगर कल के 100 फाइल लिखना पड़ेगा, 100 लाइन कदम लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए वीवीएम एक होता है लूप, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लूप। जैसे किसी कोड को अगर आपको 10 बार रन करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर एमएससी बॉक्स में हाई लिखना है और हाई को मुझे एक बार में नहीं 3 बार रन करना है, तो मैं अगर इस कोड को 3 बार करूंगा तो ये गलत है, क्योंकि कल के डेट 30 होगा, 300 होगा, तो हर बार इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। दैट टाइम हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, इस कोड को लूप पे रखेंगे, लिखेंगे फोर आई आई, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे वाई एन डी लिया है, एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं। आई इक्वल टू कहां से चले, तो 1 2 कितना चले 3, और फिर हमने कर दिया नेक्स्ट, क्या कर दिया नेक्स्ट आई, क्या कर दिया नेक्स्ट आई। अब जो मैसेज बॉक्स है वो 3 बार चलेगा, क्योंकि फोर और नेक्स्ट के बीच में जो भी लाइन ऑफ कोड होंगे वो उतना बार रन करेंगे जितना बार हमने यहां पे डिसाइड किया। देखिए अभी आई क्या करता है, ये आई काउंटर है, एक खड़ा होकर काउंट करता है कि कितना बार लूप चल चुका है, मतलब कि गोल गोल घूम चुका है। तो एक वेरिएबल है, तो जैसे हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को अपने कोड में यूज किया है, ऐसे आई को भी हम कोड में यूज कर सकते हैं कि मुझे बताना है कि कौन सा नंबर चल रहा है, जिसको हम कॉन्केट कर दिया आई। तो आप देखिए क्या हो, अब आएगा यहाँ पे हाई 1 हाई 2 हाई 3। लूप समझ में आया आप लोगों को, लूप में कोई कंफ्यूजन? लूप का काम सिंपल सा है, उसके अंदर जो कोड है उस कोड को रिपीटली रन करना, और आई जो है उस चीज को काउंट करता है, और आई एक वेरिएबल है जिसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम यहां पर हम लिखेंगे फोर आई इक्वल टू चले 1 2 12, और फिर यहां पे हम कर देते हैं नेक्स्ट आई। तो जो वर्कबुक ऐड करने वाला कोड है उसको वो 12 बार रन करेगा। अब लेकिन 12 फाइल ओपन रहेगी, तो मैंने आप लिख देता हूं वर्क बुक डॉट, एक्टिव वर्क बुक है ना, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, तो फाइल यहां ओपन करेगा क्लोज करेगा। लेकिन अभी जो है हर बार 12 फाइल भी जैन फैक नहीं, सिर्फ जैन के नाम से करेगा, क्योंकि ये अपने आप थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये तो हमें इनरोडर कमांड के अंदर रखा हुआ है, तो कैसे करें? तो यहां पे हम आई का इस्तेमाल करेंगे, हम आई को कॉन्केट कर देते हैं, लेकिन आई को इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखेंगे, नहीं तो आई नाम का ही फाइल बन जाएगा, क्योंकि आई एक वेरिएबल है, तो मुझे आई की वैल्यू चाहिए ना कि आई चाहिए, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया। तो हमने पाथ यहां रखा, नेम यहां रखा, और यहां पे एक्सटेंशन रख दिया। तो अब ये 12 फाइलें बनाए, देखिए मैं एफिट करके रन करता हूं, समझ में आएगा। रन किया, अब आई पे मान क्या है 1 है, क्योंकि पहला बार चल रहा है इसलिए आई ने एक काउंट कर लिया। अब यहां पे 1 जो है वर्कबुक के पाथ में दे देगा, तो 1 नाम का फाइल जनरेट हो गया। देखो यहां पे आ गया 1 नाम का फाइल, ये फाइल खुला हुआ है, और फिर उसको क्लोज कर देगा। तो देखिए फाइल क्लोज हो गया, और यहां देखिए 1 नाम का फाइल ओपन। अब नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहां पे चेक करेगा इसमें कितना होना चाहिए, तो 12 से ज्यादा होना चाहिए, और फिर भेज देगा वापस, फिर से चलो। तो फिर से चला, इसमें आई ने अपना सिक्वेंस बढ़ा लिया, आई 1 से 2 हो गया, तो ऐड कर लिया कि दूसरा राउंड चल रहा है, इसलिए अब यहां पे 2 मिलेगा, तो 2 नाम का फाइल बना देगा। देखिए 2 नाम का फाइल बना दिया, और यहां पे देखिए फोल्डर में 2 नाम का फाइल आ गया, और फिर यहां पे वापस क्लोज किया। फिर इस बार आई ने चेक किया कि नहीं है तो वापस भेजा, फिर नेक्स्ट ने चेक किया कि भाई आई जो है अभी 12 नहीं हुआ है, तो क्या कर दिया वापस भेज दिया वर्कबुक। फिर वर्कबुक ने सिर्फ वर्कबुक बनाया, क्लोज किया, फिर इस बार 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलेगा।
मैं एफर्ट प्रेस कर रहा हूं तो वन बाय वन लाइन बाय लाइन कोड रन कर रहा है। अब आई कितना हो गया, आई 11 हो गया। अब चेक किया आई 12। अजय मोरे जी प्लीज बंद कीजिए माइक स्कोप कैमरा को। और यहां पे हमने इस बार चेक किया यहाँ 12, 12 है तो बाहर निकल गया, क्योंकि तो 12 जो है समझ गया कि 12 से ज्यादा हुआ, 12 बार ही चलना है, तो बाहर यहाँ पे निकल गया। और जिस कारण से हमें हर कोड को 12 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही कोड 12 बार चल गया और आई की वजह से हर बार अलग अलग फाइल के नेम। ये समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें? तो लूप का काम यही होता है कि तो बगैर लूप आप कोड नहीं लिख सकते, क्योंकि बगैर लूप एक डायनेमिक ही नहीं होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम आया कि मुझे 1 2 3 नहीं, मुझे तो Jan 5 5 चाहिए, लेकिन आई Jan 5 नहीं देगा, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 देगा। तो यहां ऊपर मैंने बताया था आपको मंथ नेम में जो भी आप 1 2 3 4 5 देंगे उसको Jan 5 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो आई है इसको मैं मंथ नेम के अंदर रख देता हूं और यहां लिखता हूं ट्रू करता हूं, ताकि ट्रू ट्रू नहीं कीजिएगा ना तो जनवरी फरवरी पूरा दे, और ट्रू कर दीजिएगा तो Jan 5 शॉर्ट हो जाएगा। तब इसको मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे कि आपका फाइल ओपन हो रहा है और फाइल का नाम Jan 5 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से आपको दिख रहा है। फाइल क्रिएट कर रहा है, सेव कर रहा है, क्लोज कर रहा है, फाइल क्रिएट कर रहा है, सेव कर रहा है, क्लोज कर रहा है, देखिए 12 फाइलें बन गई। अब यहां पे चैलेंज है, हर फाइल के अंदर उतने ही शीट ऐड करना जितना उसके डेट में है। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है आई, जो कि हमेशा आई मिल रहा है, जो कि हमेशा 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो रहा है हर चक्कर पे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है डेट का, किसका है डेट, इसमें मैं 2022 किया कॉमा मंथ किया कॉमा यहाँ पे 1 किया, तो मैंने यहाँ पे ऐसा क्या हुआ तो एक बन गया 1 1 2022। अगर मैं 2 करूंगा तो 2 2 2022, 3 करूंगा 3 3 2022 बन जाए। लेकिन मुझे एक और फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है ईओ मंथ, इसमें अगर मान लीजिए 0 कर देता हूं तो हर महीने की लास्ट डेट दिखाया, जैसे 1 किया तो डेट फॉर्मूले ने क्या बना दिया, 1 को 1 तारीख के एक, 1 को उस महीने की पहली तारीख का डेट पर बना दिया। और ईओ मंथ ने क्या किया, उस महीने की लास्ट डेट निकाल दी, चाहे 1 होगा तो 31, 2 करेंगे तो 28, और सेम डे फॉर्मूले ने क्या किया, इसमें से डे अलग कर दिया 28 29 30। अब यही सेम कोड हम यहां पे लगाएंगे, पर प्रॉब्लम है कि यहां तो डेट फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेट फॉर्मूला तो क्या है, सिस्टम डेट देता है, तो एक्सेल में जो डेट फॉर्मूला है वीबीएम में डेट सीरियल हो जाता है। तो मैं एक ऐसे ही डी नाम का लिया और यहां पे लिखा डेट सीरियल और इसके अंदर 2022 और आई दिया और यहां पे 1 दिया, तो ये क्या बना देगा, 1 जैन 2022, 2 1 फेब 2022, 1 मार्च 2022 बना देगा। फिर वापस इसी को मैंने रिप्लेस किया ईओ मंथ से। अब ईओ मंथ जो है वो एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, वो वीवीए का फॉर्मूला, एक्सेल का फिर वीवीए का फॉर्मूला नहीं, एक्सेल का फॉर्मूला है, देखिए सपोर्ट नहीं किया। जो एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले वीवीए में सपोर्ट कर जाते हैं, जैसे कि वाई ईयर था तो हमने ईयर लगाया तो लगाते ही नीचे एक्सप्रेशन आ गया, आगे एक्सप्रेशन डेट ईयर और अंदर डेट लिख कर आ गया। इसका मतलब कि ईयर फॉर्मूला जो एक्सेल का है वो वीवीए में भी डायरेक्ट वर्क करेगा, लेकिन ईओ मंथ नहीं कर रहा है। तो जो फॉर्मूला वर्क डायरेक्ट नहीं करता है उसको हम उसके लाइब्रेरी से कॉल करते हैं, एक्सेल एप्लीकेशन डॉट, अच्छा एप्लीकेशन का स्पेलिंग मिस्टेक है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और इसमें हमने डाल दिया किसको, डी को, और हमने 0 किया। तो ये क्या करेगा,
इसका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल और डी पे डाल। फिर हम वापस इक्वल करते हैं, डी इक्वल टू डेट, डी फिर रिप्लेस होगा किससे, उसके डेट से 31। तो फाइनली मुझे मिल गया कि जो फाइल हमारी ऐड हुई है उस फाइल के अंदर 2022 22 में कितने दिन थे, कितने दिन थे। हमने तीन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, जैसे हमने एक्सेल पे किया था सेम यहाँ पे। जैसे एक्सेल पे हमने यहाँ पे अगर हमने 1 दिया तो डेट फॉर्मूला क्या बना दिया, 1 जैन 2023, सेम डेट फॉर्मूला यहाँ पे डेट सीरियल वर्क किया। फिर यहाँ पे ईओ मंथ के लिए हमने लगाया, बट ईओ मंथ फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए इसके लाइब्रेरी से मैंने कॉल किया, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, ईओ मंथ, यहाँ पे डेट दिया और यहाँ पे डेट, क्योंकि इससे पहले वाला कोड जो है डेट इंस्टॉल किया था, क्योंकि वीवीए में 1 बाय 1 चलते हैं तो एक ही वेरिएबल को बार बार रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद वापस डेट फॉर्मूला नहीं करके तो फाइनली डी पे क्या स्टोर हुआ, 31। अब मुझे ऐड करने हैं तो यहां पे मैंने किया वर्क बुक्स, वर्कशीट होगा ना, शीट्स होगा ना, शीट्स डॉट एड। अब शीट्स डॉट एड कर देंगे तो क्या हुआ, एक शीट ऐड करेगा, देखिए जैसे इसका स्पेस मारेंगे एक्सप्रेशन में यहां पे दिख रहा होगा काउंट, क्या दिख रहा है काउंट, मतलब कि आप यहां पे अगर 5 देंगे तो 5 सीट ऐड होगा, 10 देंगे तो 10 सीट ऐड। तो ये कैसे देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल बिफोर हाईलाइटेड है, बोल्ड है, बिफोर बोलने मतलब जो भी इनपुट डालेंगे वो बिफोर पे जाएगा, मुझे तो काउंट पे डालना है, तो कॉमा करके स्किप कीजिए, आफ्टर पे आइए फिर कॉमा कीजिए काउंट पे आइए। अब यहां पे मैंने डाल दिया डी, तो 31 फाइल ऐड हो गया। लेकिन यहां पे एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई, जो 31 फाइल नहीं चाहिए मुझे, टोटल 31 फाइल चाहिए। जब ये वर्कबुक ऐड होगा तो खाली वर्कबुक ऐड तो नहीं होगा, इसके साथ एक या 3 सीट या 2 सीट, जो भी सेटिंग होगी आपकी, उतना सीट तो ऐड करेगा ही करेगा, तो उतना सीट में फालतू तो हो जाएगी, और मुझे फालतू सीट रखनी नहीं है, जितने डेटा है उतने ही सीट रखना है, ताकि तो आगे चल के डेटा कंपाइलिंग में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे सीट्स डॉट काउंट। एक एक शीट्स डॉट डॉट काउंट एक फॉर्मूला होता है जो कि बताता है कि फाइल में टोटल शीट्स कितने, तो ऐड करने से पहले वो काउंट को निकालेगा कि भाई 2 सीट है, 1 सीट है, 3 सीट है, वो 31 में से, 28 में से, 30 में से, मैं डी में से वो माइनस कर देगा और एग्जैक्ट उतना ही नंबर निकालेगा जितना नंबर ऑफ डेज मंथ में है जो हमें ऐड करना है, अब उतने सीट यहाँ पे ऐड। अब प्रॉब्लम आती है उसको रिनेम करना, कि भाई उसको हम रिनेम कैसे करें, रिनेम करने का कोड मैंने कल बताया था कि सीट्स, इसमें अब सीट का नाम पता ही नहीं है, तो हम नंबर सीक्वेंस से चलेंगे 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर सीट का नेम जो है क्या कर देगा, 1 जैन 2022, बट इस तरह से नहीं लिख पाएगा, तो 1 जैन के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मेट, यहाँ पे लगा देंगे डेट का, डेट सीरियल, और इसमें 2022 और आई ले लेंगे मंथ के लिए, और यहाँ पे हमने 1 ले लिया डेट के लिए पहले से। अब एक सेम कोड रिपीट होगा 2 3 4 5 6 7 5, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसी में 31 है किसी में 28 है, तो हम पहले से कोड को दे नहीं सकते, अब 30 कोड लिखना है, 31 कोड लाइन लिखना दिक्कत हो जाएगा, कि यहाँ पे दूसरे शीट के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे दे देंगे 2, फिर तीसरे शीट के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे दे देंगे 3, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे मैंने फाइल के लिए लूप का इस्तेमाल किया, इस लूप का इस्तेमाल किया, ऐसे मैं यहाँ सीट रिनेम करने के लिए भी लूप का इस्तेमाल करूं। मैं यहाँ लिखूंगा कि 4, अब यहाँ आई नहीं ले सकता क्योंकि आई ऑलरेडी हम ऊपर ले चुके हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे जे, तो जे इक्वल टू चले 1 2 3, टोटल सीट डी चलना है, और नेक्स्ट हम यहाँ पे जे लिख देते हैं,
और यहाँ पे वन के जगह पे हम जे कर देते हैं, और यहाँ भी वन मैनुअल उसके जगह पे जे कर देते हैं। अब मेरा कोड परफेक्टली रन हो। अब चलिए इसको हम एक एक करके रन करके इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफेक्ट किया, एफेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आई पे वन स्टोर हो गया, मंथ नेम में वन को जैन बना के एक नया शीट ऐड कर दिया। फिर आई वन है डेट सीरियल को 2022 वन और एक मिला तो एक डेट बना दिया 1/1/2022। फिर क्या हुआ कि ईओ मंथ ने उस पर यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट भी किया लेकिन 31 जैन 2022 किया। फिर डे फॉर्मूले ने उसमें से 31 अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए डे 31 है और शीट के काउंट 3 है तो 31 - 3 उतने शीट ऐड हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही बार में सारा शीट ऐड हो गया 31 शीट। अब यहाँ पे 4J चला, यहाँ पे 1 शीट, यहाँ पे चलेगा 1 तो यहाँ पे इसने 1 जनवरी डाल दिया। देखिए 1 जनवरी डाल दिया शीट का ने, फिर ये वापस चलेगा 2 जनवरी 3 जनवरी इस तरह से। तो कब तक यहाँ पे देखिए चलता रहेगा, 11 आ गया, 12 13 14 15 16 17 18 20 20, यहाँ देखिए डेट चेंज होना रहा है ना, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 31 हो गया, 31 सीट ऐड हो गया। अब इस फाइल को क्लोज कर दे, यहाँ पे देखिए जैन नाम का फाइल क्लोज हो गया। और इसे जब ओपन करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शीट्स हैं। देखिए 1 जनवरी से लेके ये कंटिन्यू चल रहा है और आप देख सकते हो, दिख रहा है सर? तक है परफेक्टली वर्क किया। अब यहां पे हमारा लूप जो है दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा। अब इसको एक बार हम फाइल को बंद करते हैं और हम इसको एक बार रन करते हैं, रन यहाँ पे करते हैं माइक्रो रन। हाँ इसमें मैसेज दे देते हैं कि भाई यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं यहाँ पे, सॉरी लास्ट में MSG बॉक्स यहाँ पे करते हैं मैसेज 365 शीट्स एंड 12 फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, या कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अब चलिए इसको रन करते हैं कोड नंबर 2 एंड। अब जो काम यही वीवीए का पावर क्या है, वीवीए का पावर कि जो काम घंटों का था उस काम को एक कुछ सेकंड में पकड़े। ठीक है, अब समझिए इस कोड में बताइए क्या कंफ्यूजन है, क्या समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके बोलिएगा। दीपक जी आप बोलिए, कोई तो दिक्कत है? गोयल जी आपको कोई दिक्कत है? हाँ जी, इसमें एक बार डेट सीरियल का एक बार चेक कर लीजिए एंड नेक्स्ट रिलीज डॉट ऐड के बाद हमें डी माइनस सिक्स काउंट दिए थे ना वो एक्सप्लेन कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए डेट सीरियल जो है वो एक डेट बनाता है क्योंकि हमें सिर्फ मंथ है ना, 1 2 3 4 मंथ मिला हुआ है। तो जैसे एक्सेल में हमने अभी एक्सेल में समझाया था ना आपको डेट फॉर्मूला, कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ दिया मंथ 1 और मुझे इस 1 से इस महीने का पहला तारीख चाहिए तो हमने यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लगाया और 2022 का चाहिए 2022 लिख दिया मैनुअली, मंथ में इसको सिलेक्ट कर दिया और मैनुअली यहाँ पे 1 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2022 आ गया, जैसे 2 डालूंगा तो 1 फरवरी 3 डालूंगा, तो सेम काम ये यहाँ पे कर रहा। ठीक है, सेम काम डेट सीरियल का। अब यहां जो मैंने डेट शीट ऐड किया मुझे टोटल शीट 31 ऐड कर, लेकिन जब फाइल क्रिएट होता है जैसे मान लीजिए मैं नया फाइल क्रिएट किया तो इसमें 3 सीट पहले से है ना सर, तो ये 3 सीट को माइनस करना होगा ना 31 में से, नहीं तो 3 + 31 ऐड हो जाएगा क्योंकि हम सीट ऐड करने के लिए दे रहे हैं ना, हमें तो नहीं बोल रहे कि पहले जो सीट उसको डिलीट कर दो क्या। तो यहाँ पे वही हमने बोला कि डी मतलब डी क्या कैलकुलेट हुआ, टोटल डेज नंबर ऑफ डेज इस महीने में जिस महीने का फाइल बन रहा है उसमें से जितने सीट्स हैं उतने इसने यहां से माइनस कर दिए।
ओके 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 अब इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि इस मैक्रो को मुझे, और जैसे इसी मैक्रो को देख लीजिए, मुझे इस मैक्रो को रन करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे काम डेली बेसिस पे करना है तो मैं रन क्यों करूं? मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये मैक्रो खुद बखुद रन हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं। सेव किया डी ड्राइव में, हम यहाँ पे 6P1 के नाम से, यहाँ पे XLSM में सेव कीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा एक टाइम है 6:53 पे ऑटोमेटिकली मेरा ये माइक्रो रन हो जाए एवरी डे। तो सबसे पहले इस माइक्रो नेम को मैं इवेंट पे डालूंगा। इवेंट कहाँ है? दिस वर्कबुक पे। दिस वर्कबुक पे गया और मैंने बोला वर्कबुक ओपन, तो हमने बोला कि जैसे ही मेरा ये 6P1.xls ओपन हो, मेरा ये माइक्रो प्रो वन ऑटोमेटिकली चल जाए। ठीक है? तो यहां तो मैंने एक से एक ऑटोमेशन कर दिया कि मुझे माइक्रो यहां से जाके रन नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं एक्सेल की फाइल P1 ओपन करूंगा, मेरा ये जो कोड मैक्रोज है प्रो वन ऑटोमेटिक चल जाए। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे फाइल ओपन तो करने पड़ेंगे, क्या सर? फाइल ओपन तो करने पड़ेंगे, तो मैं यहां अपनी कंप्यूटर के अंदर में एक होता है शेड्यूल टास्क, शेड्यूल टास्क में आया और यहां पे हमने बोला क्रिएट टास्क, दिख रहा होगा क्रिएट टास्क, इसमें गए टास्क का नाम दे दिया FLD CR, कुछ भी नाम दे दीजिए। उसके बाद यहां देखिए ट्रिगर, ट्रिगर पे आया, न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां एनेबल कीजिएगा, एनेबल नहीं कीजिएगा वो कोई वर्क नहीं करेगा। अब यहां पे डेली करना है तो डेली सेलेक्ट कर लीजिए, वीकली करना है वीकली, मंथली करना है मंथली कर लीजिए। मैं फिलहाल वन टाइम करता हूं आपको दिखाने के लिए। यहां है 6:51 हो रहा है, मैं 6:00 यहां पे 54:53 कर देता हूं, 53 मिनट, देन ओके। उसके बाद मैंने यहां एक्शन पे गए, न्यू पे गए, यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम ब्राइटफुल सिलेक्ट रहेगा, इसमें जाके हम वो जो डी ड्राइव में प्रो वन करके जो फाइल है 6P1, उसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ओके कर दिया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 52:53 का इंतजार कीजिए। 52:53 होगा, ऑटोमेटिकली आपका 6_P1 ओपन हो जाएगा। 6P1 से ओपन होगा, ऑटोमेटिकली Pro_1 जो माइक्रो है रन हो जाएगा। माइक्रो रन होते ही ऑटोमेटिकली आपका फाइल एंड फोल्डर आपके सिलेक्टेड ड्राइव में क्रिएट हो जाएगा। तो ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े, फुल्ली ऑटोमेटेड हर काम अपने आप आपका हो जाना चाहिए। ठीक है? अब लोग सर 3 पे ओपन नहीं हुआ, तो 3 कुछ सेकंड भी तो था, उतना सेकंड वेट तो करना पड़ेगा। ओपन हो गया एक्सेल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सर, अपने आप ओपन हो रहा है। हो गया सर अपने आप ओपन, और जाके देखिए यहां पे डी ड्राइव में SL डेटा 2023 अगस्त 3 और आ गया। तो हमने इसको कैसे किया, एक बार और समझा देता हूं आपको। सबसे पहले जो माइक्रो आपने बनाया है उसको इवेंट में डालना होगा। तो हमने क्या किया, विजुअल बेसिक पे गए, यहाँ जो माइक्रो नेम था इस माइक्रो नेम को कॉपी किए, यहाँ दिख रहा होगा दिस वर्कबुक, मैंने इस फाइल के दिस वर्कबुक में जाना है और यहां से सेलेक्ट करना है वर्कबुक, यहाँ से सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट ओपन आ जाएगा, अदरवाइज ओपन सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे फाइल का नेम
टाइप कर दीजिए, आप पेस्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको जाना है स्टार्ट मेनू में, जहां से शेड्यूल टास्क को सर्च करना है। टास्क शेड्यूलर को सर्च करना है, यहां पे आना है, क्रिएट में आना है, क्रिएट टास्क, एंड यहां पे अपना टास्क का नेम देना है, यहां पे आपको ट्रिगर देना है, यहां पे आपको एक्शन देना है। ट्रिगर मतलब किस टाइम में होगा, न्यू पे, बट ट्रिगर में ध्यान रखिएगा यहाँ अनेबल होना चाहिए। यहाँ पे अपना शेड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए, एंड इसके बाद यहाँ एक्शन पे जाइए, यहाँ न्यू पे एक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन वगैरह भी है कि कुछ क्या क्या होना चाहिए, नॉट डायगल वगैरह, तो आप चेक कर लीजिए। सेटिंग वगैरह करना है तो वो तो सिंपल सी चीज है, वो तो सिस्टम का पार्ट है, और आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली आपका ओपन हो जाए। तो आज की कहानी बहुत हुई, आज आप लोग कीजिए इसकी प्रैक्टिस, कल हम आगे बात करेंगे रेंज के ऊपर। ये दोनों प्रोजेक्ट को आप एक बार कल के देख लीजिएगा, मैं इसकी कोडिंग जो है आपको मैं भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। ओके थैंक यू।